Hi and welcome to this vocabulary session. In this session we learn some words, their meaning and their use in a sentence. शुरू करते हैं. पहला है impunity. impunity. impunity का मतलब freedom from punishment, harm और getting hurt. यानी सजा से मुक्ति मिलना. जिसको सज़ा नहीं मिलती, वो अगर कुछ गलत करे तो भी उसे सज़ा नहीं मिलेगी, उसे कोई हार्म नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा, यानी कि उसे कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा, वो पनिशमेंट से मुक्त है, फ्री है. तो ये जो पनिशमेंट नहीं मिलेगी इस बात को बोलते हैं इम्प्यूनिटी. हेयर नो बॉडी कैन डू एनीथिंग रॉन्ग विथ इम्प्यूनिटी. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कुछ गलत करेगा इम्प्यूनिटी के साथ, यानी गलत करेगा और उसे सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसा कोई नहीं है. नेक्स्ट है एंग्विश. anguish. एंग्विश का मतलब सीवियर इमोशनल पेन, सफरिंग, ट्रबल. बहुत ही अगर किसी को दुख है, दर्द है, इमोशनल यानी मेंटल पेन, सफरिंग, ट्रबल मतलब मेंटली मानसिक तौर से बहुत ही अगर कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई ट्रबल है, डिस्ट्रेस है, तो उसको बोलते हैं एंग्विश. बहुत ही सीवियर यानी बहुत ही ज़्यादा. शी हैव sunk इन एंग्विश सिंस द incident. जब से वो घटना घटी है तब से वो एकदम एंग्विश में डूब गई है, यानी बहुत ही दर्द में है, बहुत ही दुख में है, बहुत ही सफ़र कर रही है. नेक्स्ट है डिमार्केशन. demarcation. डिमार्केशन का मतलब लाइन्स टू सेट बाउंडरीज बिटवीन टू थिंग्स. दो चीज़ के बीचों बीच अगर लाइन है जो बाउंडरी सेट करती है दोनों में, यानी बाउंडरी दो चीज़ के बिटवीन जो बाउंडरी है, एकदम क्लियर लाइन वाली बाउंडरी सेट कर देना, उसको बोलते हैं डिमार्केशन. There is clear line of demarcation between official and personal discussion when we talk. जब हम बात करते हैं तब मतलब official बात करना और personal बात करना दोनों में एक clear demarcation है, यानी एकदम official discussion और personal discussion में एक boundary है कि हम official बात ही discuss करेंगे, हम personal चीज़ में नहीं जाएंगे. तो दोनों चीज़ों में एकदम clear boundary होना कि हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते. नेक्स्ट है प्रोब. PROBE. प्रोब का मतलब क्लोज इन्वेस्टिगेशन. बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एकदम डिटेल में जाके क्लोजली इन्वेस्टिगेट करना, तहकीकात करना. या फिर एन इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर्स यूज़ फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन. डॉक्टर्स एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको भी प्रोब बोलते हैं. किस चीज़ के लिए? फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, मतलब बॉडी का कोई पार्ट को एग्जामिन करने के लिए या कोई ऊंड को ठीक से देखने के लिए वो जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे भी बोलते हैं. या फिर जो मतलब इसके साथ साथ जो प्रोब का मतलब है वो है इन्वेस्टिगेट करना बहुत एकदम क्लोजली. पुलिस प्रोब्ड द मैटर वेरी वेल एंड पुट द कल्प्रिट्स बिहाइंड द बार्स. पुलिस ने बहुत अच्छे से इस मैटर को प्रोब किया, यानी बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया, तहकीकात एकदम क्लोजली किया, एकदम अच्छे से किया. एंड पुट द कल्प्रिट्स, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको जेल में डाला. नेक्स्ट है स्टार्क. STARKE. स्टार्क और स्टार्कली. STARKLY. इसका मतलब है वेरी एम्प्टी, बहुत खाली खाली अगर कुछ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खाली है. या फिर अनप्लीजेंट, यानी जो चीज़ ऑब्वियसली किसी को उससे खुशी नहीं मिलेगी, बहुत ही दुखद, अनप्लीजेंट है. इम्पॉसिबल टू अवॉइड, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे भागना इम्पॉसिबल है, वो चीज़ सामने है, क्लियरली दिख रहा है और सब उसे समझ सकते हैं क्लियरली, उस चीज़ से कोई अवॉइड नहीं कर सकता. एब्सोल्यूट यानी बिल्कुल, वो चीज़ एकदम एब्सोल्यूट है. और कम्प्लीटली यानी संपूर्ण तरीके से, तो जो चीज़ एकदम कम्प्लीट है, एकदम पूर्ण तरीके से है, या एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल वही है जो समझ में आ रहा है और उससे कोई अवॉइड नहीं कर सकते, यानी सबको समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा है. और अनप्लीजेंट है, थोड़ा सा दुखद है, और एम्प्टी एम्प्टी है, खाली खाली है. तो ऐसे केसेस में आप स्टार्क को यूज़ कर सकते हो. नोबडी कुड एस्केप फ्रॉम द स्टार्क ट्रूथ विच हैड बीन एक्सपोज्ड.
कोई इस सर्च से भाग नहीं सकता जो एक्सपोज किया गया है। अब ये सर्च कैसा है, स्टार्क है, यानी सर्च एकदम सबके सामने है, सब उसे देख सकते हैं और इससे कोई भाग नहीं सकता इस सच से। जैसे स्टार्क रियलिटी, यानी जो हमारी रियलिटी है वो हमें फेस करना ही पड़ेगा, उससे हम भाग नहीं सकते और वो एकदम एब्सोल्यूट होती है और कम्प्लीटली हमारे सामने ही होती है। तो ऐसे केसेस में बोलते हैं स्टार्क। लेट्स डू अ क्विक रिविजन। पहला था इम्प्यूनिटी, यानी सज़ा से मुक्ति मिलना, फ्रीडम फ्रॉम गेटिंग हर्ट, यानी कोई भी उसे हर्ट नहीं करेगा, गलत करने के बावजूद भी अगर सज़ा से मुक्ति मिले उसको बोलते हैं। फिर है एंग्विश, यानी बहुत ही ज़्यादा मानसिक दुख, सफरिंग, डिस्ट्रेस, दर्द। फिर है डिमार्केशन, यानी दो चीज़ों को अलग करने के लिए जो बाउंड्री बनाई जाती है। फिर है प्रोब, यानी बहुत ही क्लोजली इन्वेस्टिगेट करना, या फिर डॉक्टर्स एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। फिर है स्टार्क, जो कंप्लीट एब्सोल्यूट, मतलब बिल्कुल वही है, सामने है, जिससे आप भाग नहीं सकते, अनप्लीजेंट है। तो आज के लिए इन्हीं सारे वर्ड से, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सर्च कॉन्टेंट। टेलीग्राम चैनल की लिंक और प्रीवियस सेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।